बता सकते हो कितने साल पुरानी अपनी है दुकान? 1906 से। ये पुरानी दिल्ली बहुत ही फेमस जो है शॉप है कुल्फी के लिए, इसकी भी काफी वीडियोस आपने देखी होगी। एक नंबर स्वाद है कुल्फी। तो अंदर जी कितने टाइम से चल रही है अपनी दुकान? 10 साल हो गए। प्याज कबाब में मजा आ गया, अभी मैंने एक ही बार किया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे हो गए। तो गाइस मैं आज आ चुका हूँ आप सबके लिए चावड़ी बाजार। तो यहाँ का जितना भी जो फूड है वो अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस लोकेशन पे आपको पहुंचने के लिए आपको आना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3 चावड़ी बाजार, और यहाँ से आप आएंगे तो आपको जाना पड़ेगा इधर की तरफ। मैं है इधर ही आपको मिल जाएंगे पुरेमल कुल्फी वाले, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत पुराने हैं। चलते हैं भी उस लोकेशन पर, मिलते हैं आपसे लोकेशन पर पहुँच के। मैं आ चुका हूँ कुरेमल महावीर प्रसाद की शॉप पर, यहाँ मिलते हैं आपको अलग अलग वेराइटी की आइसक्रीम्स। तो चलो ठीक है, मिलवाता हूँ आपको भैया जी से, आ जाओ चलते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया। तो भैया आप बता सकते हो कि ये दुकान जो है अपने यहाँ पे, मैंने सुना कि बहुत सारी वैरायटी की आइसक्रीम मिलती है अपने पास, तो आप बता सकते हो कितने साल पुरानी अपनी ये दुकान? 1906 से। मतलब इतनी पुरानी है। प्रेमल कौन थे ये जिन्होंने शुरू किया था? वो ये ओनर है। अच्छा, पोते चला रहे हैं। पोते चला रहे हैं, मतलब तीसरी पीढ़ी अभी इनकी चला रही है। इनका नाम है ललित शर्मा, मनोज शर्मा। अच्छा, तो गाइस मैं बता दूं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की आइसक्रीम्स कुल्फी मिलती है, स्टफ कुल्फी, जो बहुत ही यूनिक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं तो खुद पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, और हो सकता है आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे हो गए जो पहली बार ट्राई कर रहे होंगे। और ये पुरानी दिल्ली बहुत ही फेमस जो है शॉप है कुल्फी के लिए, इसकी भी काफ़ी वीडियोज़ आपने देखी होगी। पर हाँ, मैं कुछ ऐसी आइसक्रीम्स आपको दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही अलग है, हटके है। तो चलो मैं दिखाता हूँ सीधा आपको आइसक्रीम कैसी है। तो भैया ये जो आइसक्रीम है ये कैसे फ्रूट के अंदर डाली जाती है? मतलब ये रियल फ्रूट के अंदर, ये रियल फ्रूट के अंदर है, तो मतलब इसमें फ्रूट का भी टेस्ट आएगा अपना, हर एक चीज का। तो मतलब देख रहे हो गाइस कितना अलग है, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसी हमें आइसक्रीम खाने को मिलेगी। और अब आप देख सकते हो कितनी वैरायटी की आइसक्रीम्स है यहाँ पे। ये देखिए, ये स्टफ्ड आइसक्रीम बोलते हैं इसको, कुल्फी जो फ्रूट्स के अंदर भरी जाती है। तो आज हम भी इसको टेस्ट करते हैं जो इनकी फेवरेट है। भैया कौन सी यहाँ पे जो सबसे टेस्टी रहती है? स्टफ कुल्फी है, सारी फेमस होती हैं। सब में अपना एक अलग टेस्ट है इधर। हाँ जी भैया। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर मान लीजिए कुछ तो होगा यूनिक की अपने आम वाली ज्यादा चलती हो या अनार वाली ज्यादा टेस्टी रहती हो? हमारी अनार, ऑरेंज, मैंगो तीनों से बढ़िया बहुत फेवरेट कुल्फी है। आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज ऐसा करते हैं कि ट्राई करते हैं अपना मैंगो और अनार जो भी इनके पास है ना अभी फिलहाल, वो देखते हैं और ट्राई करते हैं उसको, और आपको बताता हूँ कि कैसी यहाँ की कुल्फी है। तो चलो ठीक है भैया, दिखाइए जरा। ये मैंगो है, ये मैंगो है, अनार, अनार। तो भैया ये जो आइसक्रीम है इसमें कुल्फी जो भरते हैं, तो इसके अंदर जो स्टफिंग होती है वो उससे कुल्फी बनाई जाती है या क्या रहता है? मतलब कुछ अलग इसका प्रोसेस का है? ये अलग चीज होती है। अच्छा, और कुल्फी नॉर्मल वो रियल फ्रूट की सारी होती है हमारे पास कुल्फी। तो सारी रियल फ्रूट की होती है। हाँ जी भैया। तो गाइस देखिए कितना ठंडा हो जाता है, भैया उसको तोड़ रहे हैं, अब हम भी देखेंगे कैसी कुल्फी होती है। बिना ग्लव्स के भी भैया कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, देख सकते हो आप, पूरा हाइजीन मेंटेन कर रखे भैया ने यहाँ पे। भैया कितनी वैरायटी की कुल्फी होती होगी अपने पास? कम से 50-60। 50-60 के आसपास? हाँ जी, 50-60 के आसपास जो है कुल्फी की वैरायटी है यहाँ पे, आप आके ट्राई कर सकते हो। तो ये अपनी है मैंगो कुल्फी, तो खा के जरूर बताएंगे इसको भी कैसी है। ये देखिए गाइस आप, मतलब देख रहे हो आप कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। भैया मुझे बता सकते हो कि टाइमिंग क्या है यहाँ पे ओपन और क्लोज की? सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक। ये खुला रहता है?
हम ले रहे हैं अब अपनी कुल्फी और ट्राई करते हैं, जरा बताते हैं आपको। और ये अपने को पड़ेगी कितने की भैया? 250 की। 250 की कुल्फी है, आओ और ट्राई करो। चलो ट्राई करते हैं। देख रहे हो गाइस, ये पूरा मैंगो है। चलो पूरा मैंगो का टेस्ट है इसमें। और कुल्फी ये देखिए आप, ये कुल्फी है ये जो देख रहे हो ना। एक बाइट और लेते हैं जरा, ये देखिए। गाइस जैसे ही आप इस पे आओगे ना, जो इसके अंदर कुल्फी है ये पूरी घुल जाने वाली है, मतलब पूरी आपके मुंह में आके ना घुल जाएगी पूरी कुल्फी। मैं तो रुक ही नहीं रहा गाइस, खाते ही जा रहा हूँ। बहुत ही अलग होने वाला है इसका टेस्ट, आप आओ और इसको ट्राई जरूर करना। मैं जरा मेरे साथ मेरा भाई आ रखा है, इससे ही पूछता उसको इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो बता कैसी है यार की टेस्ट, अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। क्या कहता है? एक नंबर स्वाद है कुल्फी का। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे आके विजिट करो और देखो खाओ, आपको खुद को टेस्ट पता चल जाएगा यहाँ पे कैसा मिलता है। अच्छा गाइस, हम यहाँ पे जो स्टफ कुल्फी है वो ट्राई कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं अपना रिव्यू। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, मिलते हैं सीधा आपसे लोकेशन पे पहुँच के। हम आ चुके हैं अपने सेकंड लोकेशन पर, जो है रामजी चाट भंडार। ये भी जो है अपने चावड़ी बाजार में बहुत ही फेमस है। वेज काठी कबाब, टिक्की, ब्रेड, हर एक चीज यहाँ पे मिलती है। तो हम भी जरा इधर भैया जी से मिलते हैं, पहले खाने के लिए हम भी ट्राई करेंगे और फिर बताएंगे अपना रिव्यू के कैसा है यहाँ का टेस्ट। तो कैसे अंकल जी आप? बढ़िया जी। अंकल जी मैंने सुना ये खाना है बड़ा टेस्टी मिलता है। हाँ जी बढ़िया टेस्टी मिलता है, टेस्टी है। तो क्या क्या चीज है जो अपने पास यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्वाद हो, जो सबसे ज्यादा डिमांड में हो? हाँ सबसे ज्यादा बेस्ट काठी कबाब वाली रोटी। तो अंकल जी कितने टाइम से चल रही है अपनी ये दुकान? 50 साल हो गए। 50 साल, वैसे काफी पुरानी दुकान है यहाँ पर। 50 साल तो अंकल जी वो खुद को हो चुका है यहाँ पे। आपसे पहले भी कोई चलाता था? हमारे पिताजी चलाते थे। आपके पिताजी? मतलब शुरुआत किसने करी थी? आपके पिताजी ने? पिताजी ने। तो वैसे पिताजी ने शुरुआत की थी यहाँ पर दुकान की। जो रामजी चाट भंडार है ये भी अपना जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 है चावड़ी बाजार का, उससे ही थोड़ा सा आप आगे आइए, वहीं पर आपको अंकल जी मिल जाएंगे यहाँ पे। और अंकल जी दुकान कितने बजे होती है? 11 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 से रात के 11 बजे तक। तो गाइस आप कभी भी आ सकते हो और आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। चलो हम भी ट्राई करते हैं और बताते हैं अपना रिव्यू। गाइस भैया जी हमें खिलाने वाले हैं काठी कबाब, रुमाली रोटी। तो पूछते हैं भैया जी से जरा मेकिंग क्या रहती है भैया इसकी? मतलब पूरा टोटली सोयाबीन का बना होता है। पूरा सोयाबीन का बना होता है? हां जी। अच्छा, और कितने रुपए प्लेट रहती है अपनी ये? 100 रुपए प्लेट। 100 रुपए प्लेट रहती है। तो चलिए गाइस हम भी एक बनवाते हैं और अपना ट्राई करते हैं काठी कबाब। ये गाइस ये देखिए एक पनीर का पीस भी आ गया है इसमें। कबाब के अंदर ही पनीर भरा हुआ होता है? अच्छा, कबाब के अंदर भी पनीर भरा हुआ है? शिमला मिर्च पनीर दोनों भरे हुए होते हैं कबाब के अंदर भी। गाइस शिमला मिर्च पनीर दोनों भरा हुआ है। अब हम भी ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको जरा, हम भी इसको ट्राई करते हैं। ये जो अपना पूरा जो है सोयाबीन का होता है कबाब, और इसमें पनीर के पीसीस होते हैं, थोड़ी शिमला मिर्च होती है। देखने में तो बड़ा जायकेदार लग रहा है, तो जरा इसको ट्राई करते हैं। और ये रुमाली रोटी है साथ में, जो अंकल जी की शॉप है पूरा वेज रहता है।
ये देखिए अब हम भी ट्राई करते हैं। ब्याज कबाब में मजा आ गया है। अभी मैंने एक ही बाइट लिया है, ठीक है, तो अभी तो मेरे को सोयाबीन का ही टेस्ट आया इसमें, बाकी अंदर ये शिमला मिर्च भी है और पनीर भी है। तो वैसे तो गाइस मैं बताऊं लिटरली टेस्टी है। जो अभी मेन जो सबसे ज़्यादा रहता है ट्रेंड में वो यही रहता है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वो आप आना खुद ट्राई कर लेना। बाकी मेरे को तो मज़ा आ गया गाइस, सही बताऊँ ना, काठी कबाब में मज़ा आ गया है। और अभी आपको सोयाबीन का दिखा, ये दिखा देख, इसमें अभी ये शिमला मिर्च है और ये आ गया पनीर। ये रहा अपना शिमला मिर्च, उससे पहले सोयाबीन का था और ये अब अपना पनीर का है। पीस अगर गाइस आप पुरानी दिल्ली आओगे तो उधर खाने की बहुत चीजें मिलने वाली है आपको। चावड़ी बाजार में आप कहीं भी चले जाओ आपको कुछ ना कुछ दुकान मिलने वाली है यहाँ पे खाने के लिए। और अगर आपको वेज खाना है तो वेज खाने के लिए आप राम जी चाट भंडार पे आ सकते हो। तो गाइस इसको फिनिश करते हैं और ये व्लॉग अपना यहीं तक था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।